जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो लीगल केसेस, लीगल सूट हम लोग फाइल करेंगे लोगों के ऊपर, चाहे वो वाटर डिपार्टमेंट हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। मुहतरमा कनीस फातिमा साहिबा शामिल थी बहैसियत गुलबर्गा नॉर्थ की MLA, उनका जो एहतजाज था ये गैर वाजबी था और गैर जिम्मेदाराना था। जिला में रायचूर में 7-8 लोग मरे और जीतापुर में गली पानी पी के लोगों को तकलीफ हुआ है। मैनिफेस्टो में ये लोग लिखे थे, MLA इलेक्शन के टाइम पे भी लिखे थे कि पानी का सोल्यूशन हम निकालेंगे, साफ सुथरा 24/7 वाटर सप्लाई का करेंगे बोलकर। वरना कॉरपोरेटर्स अपने इलाके के तमाम तर मसाइल के जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो पानी का हो। तो गुलबर्ग के आवाम को समझना है कि कांग्रेस और यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी जुमला है। L&T डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमिश्नर साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेस्ट बीजेपी सरकार के निकारा, निकारा। बेस्ट बीजेपी सरकार के निकारा, निकारा। दिल्ली वर्गे होराट, दिल्ली वर्गे होराट, दिल्ली वर्गे होराट, दिल्ली वर्गे होराट। आज डिस्ट्रिक्ट जनता दल ऑफिस से एक प्रोटेस्ट करे है, वो प्रोटेस्ट ये है कि तुम गलीच पानी मत दो, लोगों को ख़त्म मत करो, लोगों को बचाने के रहे तो स्वच्छ पानी दो, और जो है ना तुम जो L&T को दिए सो है वो आर्डर रद्द करके जो है ना तुम कॉरपोरेशन वाला तुम्हारा पावर में लो बोलकर हम बोलते। क्यों बोले तो तुम जो ना ये L&T वाले 4-5 दिन पानी देते, खाली जो ना 4-5 दिन पानी दे के 1 महीना का पूरा बिल लेते, ये गलत है। इसके लिए ये कॉरपोरेशन वाले और जिला अधिकारी से हम ये बोलते हैं कि तुम लोग जो है ना पानी पिलाने का अच्छा पानी पिलाओ, स्वच्छ पानी पिलाओ। क्यों बोले तो बाजू हमारा नेरे डिस्ट्रिक्ट जिला में रायचूर में 7-8 लोग मरे और जीतापुर में गली पानी पी के लोगों को तकलीफ हुआ है। इसलिए जो है ना आप लोग मेहरबानी करके गुलबर्गा में अच्छा पानी पिलाओ बोल के हम गुजारिश करते हैं। मैं नाम शामराव सोलन, डिस्ट्रिक्ट जनता दल सेक्रेटरी जनरल। आज जनता दल सेक्युलर की जानिब से गुलबर्गा शहर में गंदे पानी का जो मसला पिछले कई महीनों से चल रहा है उसके ताल्लुक से हम लोगों ने DC ऑफिस में आकर यहां पर एहतजाज अपना किया है और हमारा मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से और दीगर कॉरपोरेटर्स जिसमें हमारे जनता दल के कॉरपोरेटर्स भी शामिल थे उनकी जानिब से एक एहतजाज हुआ था कॉरपोरेशन में कमिश्नर के खिलाफ और वाटर बोर्ड के खिलाफ और L&T के खिलाफ, ख़ास करके L&T के खिलाफ। लेकिन ये L&T के खिलाफ जो एहतजाज में मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा शामिल थी बहैसियत गुलबर्गा नॉर्थ की MLA, उनका जो एहतजाज था ये गैर वाजबी था और गैर जिम्मेदाराना था। दरअसल जब L&T को ये टेंडर दिया जा रहा था उस वक्त उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो उसके बारे में जांच लेती, जांच पड़ताल कर लेती, उनके साथ कमिश्नर के साथ बैठकर उसके बारे में बातचीत कर लेती, और उसके बाद में L&T को जब ये टेंडर दिया गया तो ज़रूरत इस बात की थी कि मॉनिटरिंग अथॉरिटी वाटर बोर्ड को बनाया जाए, जो कि पिछले कई ज़माने से इसको देखते आया है, देख रेख करते आया है और तजुर्बा रखता है। उसको हटाकर कर्नाटका स्टेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ये जिम्मेदारी दी गई, जिसके नतीजे में लोगों को पिछले दिनों में गंदा पानी मुहैया होना शुरू हो गया था। और उनकी ये जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो केस कोर्ट में चल रहा है उनके साथ साथ गुलबर्गा साउथ के MLA की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो केस कोर्ट में चल रहा है जिसकी वजह से अभी तक कॉरपोरेशन की बॉडी कायम नहीं हो सकी है, नतीजतन कॉरपोरेटर्स को सड़कों पर एहतजाज करना पड़ रहा है बजाय इसके कि वो कॉरपोरेशन के अंदर जाकर रेजोल्यूशन पास करते और L&T अगर इसका कसूरवार है तो L&T को उसका टेंडर खारिज करवा देते या फिर उसके ऊपर वाटर बोर्ड को मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाते। ये ज़रूरी है, अभी भी बॉडी कायम नहीं है, 1 साल के ऊपर हो चुका है और पिछले 4 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में कॉरपोरेशन चल रहा है, यानी कि कमिश्नर के अंडर में कॉरपोरेशन चल रहा है और 2 MLAs इसका
इसके कसूरवार हैं और दोनों ही जो है बॉडी ना बनने के जिम्मेदार हैं, जिसके नतीजे में आज गुलबर्गा के तमाम तर शहरियों को पानी की तकलीफ हो रही है। वरना कॉरपोरेटर्स अपने इलाके के तमाम तर मसाइल के जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो पानी का हो। वो लोग अगर इकट्ठा होकर अपने रेजोल्यूशन पास कर पाते तो आज ये नतीजा आवाम को नहीं भुगतना पड़ता। मेयर होने की हैसियत से कोई भी मेयर बनता तो जो है मेयर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वाटर बोर्ड को अथॉरिटी देता या फिर एलएनटी का जो टेंडर है उसको रिजेक्ट कर देता, कैंसिल कर देता। ये होना चाहिए था। जो एहतजाज हुआ है वो गैर जिम्मेदाराना है और कमिश्नर को फौरी तौर पर चाहिए कि जो है रिव्यू करे कि एलएनटी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग अथॉरिटी वाटर बोर्ड को बनाना चाहिए। साथियों, मैं सिराज शाब्दे, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट जनता दल पार्टी। आज यहाँ पे डीसी ऑफिस पे हम लोग पूरी टीम हम लोग यहाँ पे मौजूद है। वाटर जो पानी की गंदगी, जो अनहाइजीन वाटर जो आ रहा गुलबर्गे में, उसके लिए मेमोरेंडम देने आए हैं विद ए स्ट्रिक्ट वार्निंग कि अगर जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो लीगल केसेस, लीगल सूट हम लोग फाइल करेंगे लोगों के ऊपर, चाहे वो वाटर डिपार्टमेंट हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि मौजूदा हालात जो पानी का जो मसला चल रहा, बस मेरे को ये पूछना है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जीत करा है और कॉरपोरेटर जीत का है, इनका जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में ये लोग लिखे थे, एमएलए इलेक्शन के टाइम पे भी लिखे थे कि पानी का सोल्यूशन हम निकालेंगे, साफ़ सुथरा 24/7 वाटर सप्लाई का करेंगे बोलकर, ठीक है। एमएलए मैनिफेस्टो भी ये एक जुमला निकला बीजेपी की तरह, और कांग्रेस कॉरपोरेशन इलेक्शन के जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो में भी पानी का भी बहुत हाईलाइट करके लिखे थे कि पानी हम सप्लाई करेंगे, वो भी एक जुमला निकला है ये चीज़। तो गुलबर्गे के आवाम को समझना है कि कांग्रेस और यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग भी जुमला है यहाँ पर, सिर्फ ये लोग आप लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं, आप लोगों को दिखावा, एक ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब दिखा कर रहने कि हम ये चीज़ पे खड़े उतरेंगे, और पब्लिक ये भरोसे से ये लोगों को जिता के लाती है, मगर सारे चीज़ जुमले होते हैं, कोई काम होता नहीं है। बहरहाल इस बार जनता दल पार्टी की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट मूवमेंट चल रहा, और हम लोग अगर ये चीज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बराबर प्रोटेस्ट एहतजाज तो हुए, अब यहाँ से लीगल कार्रवाई होंगी।